अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिज़ाइनर कुर्ता, जो कि आपको अब बहुत कम ना होने के बराबर कहीं से मिल सकेगा। मैंने लिया है फैब्रिक कॉटन का प्रॉपर जो कुर्ता जहां से निकला था, जिससे का नाम वो है ये कुर्ता। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। सिंपल है, ईजी है, बस थोड़ा सा मैथड चेंज है। जितना आपका तीरा है, मैंने रखा है 7 इंच तीरा, आपका अगर 8 इंच है, 9 इंच है, जितना भी तीरा आता है अगर आपका डबल फोल्ड में, आपने उतने ही निशान नीचे तक लगाने हैं और इस कपड़े को कट कर लेना है। तीरे के साथ साथ निशान आपने नीचे लगा के कटिंग करनी है। उसके बाद जो हमारे पास ये 4 पीस आ गए हैं, उनमें से आपने 2 पीस उठाने हैं, उनको कर देना है साइड पर। 2 कपड़े हमने लेने हैं और उनकी अब हमने बनानी है पैनल्स, यानी कि कलियां बनानी हैं, लेकिन हमें कलियां चाहिए शॉर्ट, जो कि शोल्डर के नीचे से आएंगी। इसलिए आप शोल्डर का निशान लगा लें, जितना भी आपका शोल्डर है, आपका अगर 9 है 10 है जितना भी है, मैंने 8.5 इंच का निशान लगाया है। जितना आपका तैयार कंधा आता है, आपने उतना ही निशान लगाना है और इस कपड़े को इस तरह से रख देना है, क्योंकि इसकी कलियां शोल्डर के पास से डलती हैं, यानी कि चेस्ट के पास से। बराबर करके आप इसका कपड़ा अलग कर लें। और इसकी जो कली है वो हमने सिंपल नहीं काटनी, वो हमने ऑपोजिट कली काटनी है, यानी एक कली ऊपर से काटनी है, एक कली नीचे से काटनी है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अगर तो आप फ्रॉक बना रहे हैं तो फिर आप बहुत बड़ा घेर रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये कुर्ता ही बनता है। इसमें आप शॉर्ट कली, अगर आप घेर बड़ा करना चाहते हैं तो आप कली को मज़ीद बड़ा कर सकते हैं। कुछ इस शेप की ये कली कटेगी, ये आपको नज़र आ रही होगी, मैं लाइन डार्क कर देती हूँ। ऐसी कली इसमें कटती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शर्ट का घेर मज़ीद बड़ा हो जाए तो आप अपनी कली को मज़ीद चौड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से आपने अपनी चेस्ट के लिहाज से ही रखनी है और नीचे से आपने अपने घेर के लिहाज से रखनी है। ये हमारी पैनल्स कट हो चुकी हैं, कुछ इस तरह की आपको लग रही हैं। इनमें से एक पैनल्स हम उठाएंगे, यानी कि जो 2 पैनल्स हैं वो उठाएंगे और उनको इस तरह से करेंगे सीधा, यानी दोनों छोटे हिस्से हम रखेंगे ऊपर वाली साइड पे। और ये जो तिरछा हिस्सा है, इसको आपने जोड़ना है जो मिड का हमने तीरे वाला कपड़ा काटा है उसके साथ जोड़ना है। सीधा कपड़ा आपने नहीं जोड़ना, आपने जो अटैच करना है वो तिरछा कपड़ा करना है, जो हमने पैनल्स कट करते वक्त बनाया था, जिसमें थोड़ी सी लचक भी होगी इस तरह से। कली आपकी चेस्ट के पास से ही डलेगी, इसलिए आप अपने शोल्डर का आर्म होल का साइज लगा लें पहले से ही। स्लीव्स मैंने कट कर ली हैं, बिल्कुल सीधा कपड़ा मैंने लिया है, कोई राउंड कटिंग नहीं हुई है और स्लीव्स में कोई राउंड कटिंग होनी भी नहीं है, इसलिए आप अपने साइज के लिहाज से सीधा सीधा कपड़ा उतार लें। पैनल्स का तिरछा हिस्सा हमने जोड़ना है और स्लीव्स को कुछ इस तरह से रखेंगे हम इसके साथ। यहाँ तक तो हो गया रेडी। जो अहम बात है इसमें, सबसे ज़रूरी बात है, वो है यहाँ पर कॉर्नर की पली। इसको पली कहते हैं, आप इसको समोसा कट में करेंगे, यानी कि तकोन सा बनता है ये, और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये कुर्ता बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इसमें कोई राउंड शेप नहीं आती, कोई फिटिंग नहीं आती, इसलिए इस पली का डलना इस कुर्ते में बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपकी फिटिंग तंग ना हो, आपके बाजू ऊपर नीचे करने में आपकी शर्ट खींचे ना, इसलिए ये पली सबसे ज़रूरी है। और आजकल कोई भी ऐसा काम नहीं करता। एल शेप के शोल्डर्स तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपको इस तरह का डिज़ाइन कोई भी नहीं बना के बताएगा कि जो असल में कुर्ता है बेसिकली वो क्या चीज़ है, वो यही है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और इस पल्ली का साइज़ जो हम लेंगे, वो हम लेंगे 3 इंच। 3 इंच का हमने साइज़ लेना है, यानी चारों तरफ से कपड़े का साइज़ 3 इंच होना चाहिए। एक स्ट्रेट कपड़ा लें और उस पर आपने इस तरह से तकोन सी शेप बनानी है, जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग करने के लिए शेप रखते हैं उस तरह से आपने बनानी है, और 3-3 इंच सारी तरफ से इसका साइज ले लेना है। 2 पल्लियाँ कटेंगी, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। आपने इनको दरमियान में से कटिंग नहीं करना, दरमियान में से ये इसी तरह से रहेंगी और इस तरह से ये हम इसके साथ अटैच करेंगे।
ये अब आपको कुछ थोड़ी बहुत शेप नज़र आ रही होगी। गला जो है वो बिल्कुल सिंपल तैयार करना है, और सबसे पहले आपने इस पर गला ही तैयार करना है। जो तीरे का कपड़ा आपने निकाला है उस पर आपने गला रेडी करना है। मैंने सिंपल गला तैयार किया है, 7 इंच चौड़ाई ली है और लंबाई ली है। रेप पट्टियाँ मैंने काटी हैं कपड़े के साथ की, जो कि मैं पाइपिंग वाला गला बनाऊंगी और वो मैं इसी के साथ बनाऊंगी। बैक को भी आप अटैच कर लें ताकि जो हम कपड़े की पाइपिंग लगाएंगे वो राउंड अबाउट ऑल साइड पर हमारे आ जाए। आप चाहें तो पट्टी वाला गला भी तैयार कर सकते हैं, काज बटन्स वाला, यानी कि आप चाहें तो टिच बटन वाला भी, आप चाहें तो लूप्स वाला भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस कुर्ते पर इसी तरह का गला तैयार होता था जो कि कपड़े के साथ की पाइपिंग के साथ ही बनता था। ये आपको नज़र आ रहा होगा, अंदर वाली साइड से मैंने तरपाई कर दी है और कपड़े की ही आधी आधी पाइपिंग मैंने बाहर निकाली है। इसके अंदर कपड़ा लग जाएगा और चाहें तो ऊपर आप बटन लगाएं, टसर लगाएं, जो भी करें। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो ये वाला सीन है ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि इसकी कली, बाजू, पली, ये सारी चीज़ें अटैच होने के बाद दरमियान वाले कपड़े के साथ अटैच होती हैं। पली जोड़ने का तरीका ख़ास तौर पर आप ज़रूर देख लें। जो हमारी चारों कलियाँ हैं उनको जोड़ने के लिए हम ये बीच में पली जोड़ देते हैं पहले, ताकि हमें आसानी हो जाए। इस तरह से शेप आ रही है, ये आप देख सकते हैं। जो सीधी साइड थी कलियों की, मैंने वहां पे पली जोड़ी है, दोनों हमने जोड़ ली हैं। अब स्लीव्स किस तरह से रख के जोड़नी है वो भी मस्ट आप देखें, क्योंकि यही इसकी चीज़ें हैं कुछ दो चार इम्पॉर्टेंट, बाकी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप बहुत अच्छे से इसको रेडी कर सकते हैं। अब हम इस स्लीव्स को अटैच करेंगे इस तरह से, एक हिस्सा इसका हम स्लीव्स की एक साइड पे जोड़ेंगे। जैसे आप एल शेप का स्लीव्स जोड़ती हैं बस उसी तरह से है, लेकिन पली का ख्याल रखना है कि वो किसी तरीके से गलत ना जुड़ जाए। जो दूसरी सिलाई हमने पली के साथ लगानी है उसमें आपने ये करना है कि बाजू का, बाजू की जो दरमियान वाली सिलाई होती है यानी बाजू बंद करने वाली जो सिलाई होती है वो आपने सारी लगा लेनी है। पीछे से सिलाई आप लेकर आएंगे और साथ आपकी पली भी जुड़ जाएगी। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी कली भी जोड़ ली, पली भी जोड़ ली और स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है, और इसमें आप ऐसे ही इसको जोड़ेंगे। उसके बाद आप दरमियान वाले हिस्से में इसको लगाएंगे। मैंने ली है पाइपिंग सारी तरफ करने के लिए, आप लेस भी लगा सकते हैं, वैसे अगर सिंपल भी रखें तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। अब हम इन कलियों को जोड़ेंगे दरमियान वाले हिस्से के साथ, जो कि तिरछा हिस्सा मैंने आपको बताया था कि वो आपने जोड़ना है। आप इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगी और सबसे पहले आप जोड़ने के लिए नीचे गुम सिलाई लगाएंगी। पाइपिंग करेंगे हम सारी तरफ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये देखिए जी, हमारा बहुत खूबसूरत सा कुर्ता तैयार हो चुका है। मैंने लगाए हैं इस पर बटन्स खुद तैयार करके, जो कि पाइपिंग थी उसके साथ के, और ये दो पैनल्स जो जुड़ी हैं आपको उल्टी साइड से नज़र आ रहा होगा। नीचे मैंने ये समोसा बना के लगा दिए हैं, आप चाहें तो लगाएं, ना चाहें तो ना लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। ये दो हमारी जो पैनल्स डली हैं इसमें वो आपको नज़र आ गई होंगी। बड़ा ही खूबसूरत सा कुर्ता, और पहन के एक बहुत अच्छी ब्रांडेड डिज़ाइनर लुक आती है इसकी, इसलिए आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें। इसकी स्लीव्स बिल्कुल सीधी होती हैं, बहुत मज़े का लगता है ये। ओके जी, खुदा हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।